अरे 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 ये सर अरे मुझे बस एक मौका दीजिए सर, मैं अपनी एक्टिंग दिखाना चाहता हूँ, मैंने कुछ तैयार किया सर, वो मैं दिखाना चाहता हूँ सर। प्रीमियर तो हो जाने दो, फिर उसके बाद देख लेंगे आराम से बेटा। यस सर, प्रीमियर हो जाने दीजिए, उसके बाद सर एक छोटा सा परफॉर्मेंस सर, ऐसा परफॉर्मेंस आपने देखा ही नहीं हुआ सर कभी। तो ऐसा क्या करने वाले जो हमको मजा आ जाएगी? सर मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाऊंगा सर, यू समझ लिए सर, एक धमाका होगा सर, धमाका, बस आशीर्वाद दीजिए सर। भाई या क्या बात है, क्या बॉडी बनाई है, एक नंबर भाई, मजेदार। आधी पिक्चर ना इसकी वजह से हिट होने वाली। भाई हाय, आई एम आयान, मैं भी एक एक्टर हूँ, जल्दी हीरो बनने वाला हूँ, आप भी मेरी हीरोइन बन सकती है। अब मुस्तफा भाई, आपकी मशीन फिल्म में एक फेमस डायलॉग है, वो मौत वाला, प्लीज एक बार सुना ना प्लीज। मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, पिक्चर सुपर हिट है भाई, सुपर हिट। भाई इस ट्रायल शो के बाद ना आप बाहर मिलना, मेरा परफॉर्मेंस देखना भाई, मजेदार धमाका होगा, धमाका भाई। भाई इसके बाद मिलकर दोनों एक पिक्चर करते हैं, ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट भाई, बाय। कौन था वो? तुम्हारा दोस्त नहीं था? सीरियसली तुम्हें लगता है ये मेरा दोस्त है? छोड़ें, तो कोई स्ट्रगलिंग एक्टर होगा, जल्दी चलो वरना पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। सर सर, एक आदमी बिना इनविटेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, आप लोग अंदर जाइए, हम लोग देख लेंगे। हाँ सर, डोंट वरी, कोई फैन होगा उसे एक ऑटोग्राफ सेल्फी देगी, सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिल्म स्टार्ट होने वाली है, आप लोग अंदर जाइए। थिएटर में जितने भी लोग हैं ना, सबको एक जगह इकट्ठा करो, तब तक हम लोग क्राइम सीन देख लेते हैं। दो गांव है, दो गोली, गोली से ही मौत हो गई होगी। पीठ पे एग्जिट वुंड तो नहीं है, और चेहरे पे भी गोली लगने का कोई निशान नहीं है। गोली लगी कहां से होगी? से तो नहीं चल सकती। सर जिस पोजीशन में ये बैठा है, पूरे थिएटर में किलर को इतना क्लीन शॉट मिला कहां से? इसके आसपास भी लोग बैठे होंगे, लेकिन और कोई कैजुअलिटी तो रिपोर्ट ही नहीं हुई। जिस तरह से गोली लगी है, ऐसा लगता है कि हवा में उड़कर किसी ने गोली चलाई है। हम जानते हैं कि आप सबको तकलीफ होगी, लेकिन जब तक सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा।
चलिए अब आप सब अपने आईडी प्रूफ निकालिए। सर इसका नाम अयान है और ये फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है। एक्टर है? तो ये डायरेक्टर लोग इसे जानते होंगे। अच्छा हमने तो बहुत सारी सस्पेंस फिल्में बनाई है लेकिन ये सस्पेंस तो पहली बार देखा। सर ये आपकी फिल्म का ट्रायल है और बिना आपके इनविटेशन के यहाँ कोई आ नहीं सकता, तो यहाँ जो भी आएगा तो उसे तो आप जानते ही होंगे ना, और फिर ये तो एक एक्टर था। हाँ आपकी बात सही है लेकिन सच पूछ इस आदमी को हम लोग नहीं जानते। लेकिन सर अगर आप उसको नहीं जानते तो आपके ट्रायल शो पे उसको इनवाइट किसने किया? हो सकता है किसी और की इनवाइट्स पर आया हो। एग्जैक्टली हमने SMS के थ्रू सबको इनवाइट्स भेजे थे, शायद उसके जानने वाले ने उनको भेजा होगा और उसी SMS के जरिए वो आ गया होगा यहाँ पर। अच्छा ये गोली चलने की आवाज किस तरफ से आई कुछ बता सकते हैं आप लोग? ठीक है सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन वो जहाँ बैठा था आवाज वहीं से आई। जहाँ वो बैठा हुआ था ये कैसे हो सकता है? उसने अपने आप को तो गोली नहीं मारी होगी। अच्छा कुछ अजीब बात आपने नोटिस की या कोई कोई ऐसा आदमी जिस पर आप लोगों को शक हो? यस सर एक आदमी था। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स क्या चल रहा है सर? मुझे जरूरी काम से जाना है प्लीज। यहाँ पे हम एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या जरूरी काम हो सकता है आपको? देखिए आप समझ नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम, मुझे मुझे जाना ही होगा, मुझे बाथरूम जाना है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन को समझिए प्लीज। चलिए आप मैं साथ में चल रहा हूँ आपके। तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे उनकी ठीक से स्कैनिंग की थी तुमने? किसी के पास भी कोई गन वन नहीं थी? नहीं सर किसी के पास कोई भी हथियार नहीं थे सर। हाँ पूर्वी। सर आयान का फोन मिला है, पूरी तरह से डैमेज्ड है और लॉक भी, यहाँ पर नहीं खुलेगा। ठीक है इसको भी सारों के साहब के पास भेजो और वही बताएंगे कि वो इनविटेशन वाला SMS आयान को किसने फॉरवर्ड किया था, किसके जरिए वो यहाँ तक पहुँचा। वो जो कोई भी है उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस खून से। एक मिनट हटिए फ्रेडी, तुमने यहाँ पे एक 50-55 साल के आदमी को देखा? सफारी सूट पहना हुआ था, चश्मा पहन रखा था। हाँ सर पंकज उसे वॉशरूम लेके गया। लेकिन सर उसे तो बहुत देर हो गई है, अभी तक लौटा नहीं है। अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। किया जी ने तुम पे शक करके कोई गलती नहीं की। कौन हो तुम? प्रेम नाम है इसका सर, झाजर एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। बहुत खुश हूँ क्या? मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं सर एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस से हूँ पर हमारी कंपनी भी फिल्म बनाती है सर, पर हमारी फिल्म भी इस मशीन फिल्म के साथ रिलीज हो रही है सर। अच्छा तो इसलिए खून कर दिया ताकि मशीन फिल्म को नुकसान हो? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, दरअसल मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ सर, उन्होंने मुझे भेजा कि मैं पब्लिक के रिएक्शन जान सकूँ कि फिल्म कैसा कर रही है, मतलब उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही, मैं वही नोट कर रहा था सर, आप चाहे तो देख सकते हैं सर। ये सब करने आया था तो मुझे क्यों मारा और भागा क्यों ऐसे? मैं घबरा गया था सर, मैं एक तो दूसरी ट्रैवल कंपनी से आया था और ऊपर से अंदर मर्डर हो गया सर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा सर। फंस तो तुम वैसे भी गए हो, एक ऑन ड्यूटी CID ऑफिसर पर तुमने हमला किया है। पंकज अयान का खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? सन्नाटा। हाँ सर लाश की जेब से ये नोट मिला है, कोई सुसाइड नोट तो नहीं लगता, एक्टर था तो हो सकता है किसी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स हो। सर एक वर्ड पे गौर कीजिए, ये जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी, मेरी आवाज मेरी हंसी मेरे आंसू ये सब मेरी आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। ठीक कह रही हो, ये सन्नाटा ये किसी का नाम लगता है, शायद राइटर का। दया हाँ सन्नाटा डायलॉग राइटर है जो बहुत साल पहले हमारे साथ लिख चुके हो।
इस सन्नाटे के साथ आप लोगों की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा हुआ हो जिसका गुस्सा उसने यहाँ पे निकाला? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। हमें सन्नाटा का एड्रेस मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। थैंक यू। कमाल है, इतनी भीड़ भाड़ में इतने लोगों के बीच एक नहीं दो दो गोलियां चलती हैं और किसी ने खूनी को देखा तक नहीं। अभिजीत, सन्नाटा का पता चल गया है। इन लोगों के लिए डायलॉग लिखता था, एड्रेस मिल गया है। ठीक है, तुम और फ्रेडी जाओ, इस सन्नाटा से मिलो। तब तक हम लोग देखते हैं सारुंगा साहब के हाथ क्या लगा है। ठीक है। मालिक हो गया का क्या मतलब? तुम एक भिखारी हो और तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिली भी होगी तो भीख में मिली होगी। जुबान पर लगाम दे खन्ना, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे मरने से कौन डरता है मलोग? बचाओ, देखो जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन प्लीज मुझे गोली मत मारना। अरे यार, हम लोग चोर नहीं है, सीआईडी से। हम लोग सीआईडी से? हाँ। हमने यहाँ झगड़े की आवाज सुनी, किसे जान से मारे थे? मैडम, मैं तो अपनी अगली फिल्म की कहानी लिख रहा था। कहानी के पात्र के हिसाब से सोचना पड़ता है ना, इसलिए डायलॉग के रिहर्सल कर रहा था। एक आदमी का खून हुआ, जानते हो इसे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मैडम। थैंक यू। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपका लिखा हुआ ये वाला डायलॉग इसकी जेब में से कहां से आया? जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी, मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरे आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। साहब, इतने सुंदर डायलॉग तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही लिख सकता हूं, लेकिन ये डायलॉग मैंने एक भोजपुरी फिल्म के लिए लिखा था, वो भी 3 महीने पहले। कहाँ मिलेंगे फिल्म वाले? मैडम, वो लोग तो शूटिंग पे गए हुए हैं, मैं पता करके बता सकता हूँ। हाँ सर। ओके सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर साळुंके को मौत की असली वजह मिल गई, और आप जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, और उन फिल्म वालों का एड्रेस हमें जल्दी चाहिए। जी मैडम। सन्नाटा, जितना गंदा नाम उतने गंदे डायलॉग लिखते हो, ढंग के लिखा करो, समझे? अरे यार, ये क्या कह रहे हैं साळुंके साहब? इस इंसान को एक नहीं दो दो गोलियां लगी और आप कह रहे हैं कि गोली चली नहीं? अगर गोली लगी होती तो इसके शरीर में हमें गोली मिलती ना? इसके शरीर में से हमें एक गोली नहीं मिली। क्या? हाँ। इन घाव का साइज देखिए, ऐसे घाव गनशॉट से हो ही नहीं सकते। तो फिर ये घाव बने कैसे? धमाकों से, दो छोटे छोटे धमाके। धमाके? हाँ, धमाके। इन्हीं धमाकों ने ना सिर्फ फयान की जान ली बल्कि इसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ओह, तो इसीलिए हमें वहाँ थिएटर में ना तो गन मिली और ना ही गन चलाने वाला। लेकिन सर, कुछ पता चला कि ये धमाके हुए कैसे? गन पाउडर। इसके जैकेट में हमें गन पाउडर के ट्रेसेस मिले, और हाँ, इस जैकेट में एक डिवाइस भी लगी हुई थी जो कि ब्लास्ट की वजह से डैमेज हो गया। मैं उसी डिवाइस के कुछ ट्रेसेस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। साळुंके साहब, इसने ये अजीब सा जैकेट खरीदा कहाँ से होगा? तो मुझे लगता है ये कोई स्टंट मैन होगा, किसी फिल्मी स्टंट के लिए इसने जैकेट को पहना होगा। फिल्मी स्टंट? मशीन फिल्म के प्रीमियर पर दोबारा जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, अयान का खून किसी गन से नहीं बल्कि जो जैकेट उसने पहनी थी ना उससे हुआ है। जैकेट से? जी हाँ, जैकेट से। उस जैकेट पर कुछ खास डिवाइस थे जिनमें धमाका हुआ और उसकी वजह से अयान की मौत हो गई। अच्छा, आप लोग इस तरह के धमाके अपने फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल करते हो ना, स्टंट्स के लिए? हाँ, हम लोग करते हैं ना, स्क्रिप्ट की मदद से। स्क्रिप्ट? हाँ, बोल भी। ठीक है, हम लोग आते। वो भोजपुरी शूटिंग कहाँ पे हो रही पूर्वी को पता चल गया है। बुलमोर स्टूडियो।
एक्सक्यूज मी, ये भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कहाँ चल रही है? वहाँ पे है सर। अरे यार, और कितना इंतजार करेंगे हम? अगर हीरो नहीं आ रहा है तो उसके डुप्लीकेट के साथ शूट कर लेते हैं। यूनिट ऐसे पूरा दिन बैठेगा तो कितना नुकसान होता है। आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से हैं। एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। तो लगता है यहाँ पे कुछ टेंशन चल रही है। देखिए, हमारी फिल्म का हीरो गायब हो गया है। अभी तक यहाँ सेट पर था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो अभी उसकी पहली फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, इतने नखरे हैं उसके। खैर कोई बात नहीं, आप कौन से मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर आए? वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए ये मिसिंग हीरो का क्या चक्कर है? सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। सर हाँ, क्या हुआ? शॉट रेडी है क्या? नहीं सर, वो शूट में कुछ प्रॉब्लम है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। सर थोड़ा शिफ्ट भी बढ़ सकता है। यार देखो, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कुछ शायद मैनेज भी कर लेता, लेकिन अभी मेरा जाना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया है यार, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, तो मैं तो भाई जाकू। ठीक है सर, मैं प्रोड्यूसर सर से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ तुम्हें जो करना है करो, पर जल्दी करना प्लीज़। उसके बाद मैं जतिन सर को बुलाने आया तो कमरे में कोई नहीं था। कहाँ जतिन सर? ये तो बैठे थे। जतिन सर, सर जतिन सर हैं, फोन भी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। सिक्योरिटी? बस सर, मैं उसके बाद आकर रमानंद सर को सब कुछ बता दिया। अच्छा जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी का खून हुआ है, अयान नाम है इसका। ये आपकी फिल्म का हीरो तो नहीं? नहीं, इसे हम लोग नहीं जानते हैं, और वैसे भी हमारी फिल्म के हीरो का नाम जतिन है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपकी फिल्म के डायलॉग्स इसके जेब में कैसे मिले? ये हमें कैसे मालूम होगा? देखिए, आज हमारी शूटिंग का आखिरी दिन है, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट सीक्वेंस शूट करना है। एक मिनट, आपने अभी अभी कहा कि आपकी फिल्म का हीरो दोपहर से गायब है। जी सर, ये आयान का खून भी दोपहर को ही हुआ था। सर होना हो, ये जतिन और आयान में कोई ना कोई कनेक्शन है। इनकी फिल्म के डायलॉग्स भी तो। डायलॉग्स का क्या है? ऑडिशन के लिए कितने सारे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, सबको लाइनें दी जाती हैं। इसको भी दे दी होगी किसी ने लाइन? ये ऑडिशन वगैरह तो आप लोग फिल्म शुरू होने के काफी पहले करते हैं ना। आपकी फिल्म तो आज कंप्लीट हो रही है, तो कोई आपकी फिल्म के ऑडिशन के डायलॉग इतने समय से लेके क्यों घूमेगा? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो वही बता सकता है ना। अच्छा अब आप में से कोई जानता है इसको? नहीं देखा सर, इसे? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी इसी फिल्म यूनिट से हैं क्या? हाँ सर, हम लोग इस फिल्म की मेकिंग वीडियो बना रहे हैं। फिल्म की मेकिंग का वीडियो? हाँ मैम, फिल्म कैसे बनी, क्या क्या हुआ, ये सारा शूट हम लोग फिल्म प्रमोशन में यूज करते हैं। ओह अच्छा, आप लोगों ने इसे देखा, पहचानते इसे? सर इस आदमी को तो नहीं जानते, लेकिन इसने जो जैकेट पहनी है इसको मैंने देखा है शूट पर। किसकी जैकेट है ये? शायद जतिन की होगी, इसके बारे में आपको ड्रेस डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। ड्रेस डिपार्टमेंट? पूर्वी रेडी, जरा चेक कर लो। ये जो फिल्म का हीरो है जतिन, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? ड्रेस रूम, एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम सीआईडी से एक मर्डर के बारे में छानबीन कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसे पहचानती है? नहीं। और इस जैकेट को जो इसने पहनी है, ये तो जानता हूँ आपके कॉस्ट्यूम बैग में होनी चाहिए थी, इसीलिए तो यहाँ आए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी जैकेट यही होगी, मुझसे आज तक कोई कपड़ा नहीं खोया। अभी देखती हूँ मैं। ये रही जैकेट। जैकेट तो यही है, तो फिर आयान ने कौन सी जैकेट पहनी थी? एक सेकेंड, ये दूसरी जैकेट। एक सेकेंड, दूसरी?
एक जैकेट तो है लेकिन दूसरी गायब है। दूसरी जैकेट? हाँ, हमारे पास एक जैसी दो जैकेट थी। एक तो है लेकिन दूसरी नहीं है। एक जैसी दो जैकेट्स क्यों? एक्चुअली जब हम फाइट सीन्स करते हैं तो उसके लिए हम दो एक जैसे कपड़े रखते हैं, ताकि अगर एक कपड़ा खराब हो जाए तो फाइट सीन्स रुक ना सके। और एक जैकेट यहाँ से आयान के पास पहुँच गई, कहीं तुमने ही तो नहीं पहुँचाई? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जैकेट कैसे गायब हुई है। और किस किस को पता होगा इस जैकेट के बारे में? फाइट मास्टर? जी सर, फाइट मास्टर। इस फिल्म के सारे एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स सब उन्होंने ही डायरेक्ट किए, और जतिन और जैकेट के बारे में वो ही आपको बता सकते हैं। अच्छा, कहाँ मिलेंगे? तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि दूसरी जैकेट फाइट मास्टर के पास है? हाँ, देखिए ना, फाइट मास्टर के असिस्टेंट के साइन भी है इसमें, देखिए। फाइट मास्टर। सर, एक लीड मिला है। जानता, फाइट मास्टर। सर, चलो। CID. इसे पहचानते हो? सर, इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी में जैकेट है सर। नंदी, अपना ही जैकेट है ना? हाँ, ये इसी जैकेट पे स्क्यूब लगाया था ना। जैकेट में तुमने स्क्यूब लगाया था? हाँ सर, आज ही ये सीन शूट होने वाला था ना, इसलिए। हाँ सर, वो दरअसल फिल्म का क्लाइमेक्स है सर, कि जतिन सर को सर दो गोली लगने वाली थी इस सीन में, और उसके बाद वो एक धासु सा डायलॉग बोल के मरने वाले थे सर। डायलॉग? जब मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरी आत्मा का हिस्सा है, जो मैं खो दूंगा और उसके बाद छा जाएगा वो सन्नाटा वाला डायलॉग। कमाल है सर, सर आप फिल्मों में ट्राई कीजिए सर। मजाक छोड़ो, जो स्क्रिप्ट तुमने जैकेट में लगाए थे ना, उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई है। सर, स्क्विब बहुत हल्का होता है सर, उससे थोड़ी किसी की जान जा सकती है सर। सर, 20 साल से फायर पाउडर का स्क्विब लगा रहे हैं, आज तक तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। कहीं फायर पाउडर ज्यादा तो नहीं डाल दिया था? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हमारे पास और भी स्क्विब्स रखे हैं। आप रुकिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इसमें ये स्क्विब लगा हुआ है, और ये जो सीधा वायर जा रहा है, ये सीधा इस बैटरी में मैं कनेक्ट करूंगा सर, और कनेक्ट करने के बाद ये स्विच सर, इस स्विच को दबाते ही यहां से ब्लास्ट होगा सर। और ये देखिए सर, अभी मैं ब्लास्ट करूंगा। देखा सर आपने, कुछ नहीं हुआ सर। इतने छोटे विस्फोट से किसी की जान नहीं जा सकती है सर। इस जैकेट पर मैंने खुद अपने हाथ से काम किया था, और इसके बाद ड्रेस वालों को दे दिया था। हम लोग ड्रेस डिपार्टमेंट के पास से ही आए, और उनके लॉग बुक के हिसाब से ड्यूप्लीकेट जैकेट आपके पास है। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप। इतनी खतरनाक चीज के साथ लापरवाही है? आप लोगों की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे आप लोग? जी सर, उनके साहब। अरे वाह, कौन है? ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वो अयान का जो मोबाइल फोन था ना, उसका डाटा रिकवर हो गया है। तो पता चला अयान को वो ट्रायल शो का इनवाइट किसने फॉरवर्ड किया था? जतिन ने, इनकी फिल्म का हीरो जो गायब है। तो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है इस जतिन को ढूंढना। सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, कहाँ पे है? ओके ओके, थैंक यू। भोजपुरी प्रोड्यूसर का फोन था, जतिन का पता चल गया है। जतिन जी, तुम्हारा नाम जतिन है जी? एक आदमी को मौत के घाट उतार के यहाँ हॉस्पिटल में किसे बचाने आए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो आप लोग? CID, पहचानते हो उसे? हाँ, ये तो आयान है,
मेरा दोस्त, हम दोनों ने बहुत सारे ऑडिशन एक साथ दिए हैं और वहीं पे हमारी दोस्ती भी हुई थी, लेकिन इससे हुआ क्या? मौत हुई है उसकी, वो भी इस जैकेट की वजह से। इस जैकेट की वजह से? ये तो मेरे फिल्म का कॉस्ट्यूम है, मैंने उसे दिया था। हाँ, क्योंकि तुम जानते थे इस जैकेट में स्क्रिप लगे हुए हैं जिसके फटने से इसकी मौत हो जाएगी। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इस जैकेट में कोई स्क्रिप्स लगे हैं। तो फिर ये जैकेट तुमने क्यों दी उसे? सर दोपहर में मैं अपने घर में वापस गया था तब। तूने मेरे लिए प्रोड्यूसर से बात करी क्या? यार अभी बात नहीं करी, बाद में बात करूंगा, अभी मेरे को जरा जल्दी हो रही है। देख यार तू अपने दोस्त को ना अवॉइड नहीं कर सकता यार, तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, सच बता, तुझे करना ही होगा, वरना आज मैं तेरे घर से जाने वाला नहीं हूँ। बोल दिया। देख तुझे करना ही पड़ेगा। ओके यार, ओके 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 फाइन। हाँ एक फिल्म का प्रीमियर आया, मैं तो जा नहीं रहा। हाँ अब्बास मस्तान जी की कोई फिल्म है। हाँ मैं तुझे सेंड कर देता हूँ इसका इनवाइट, तू चला जी। अब्बास मस्तान, शायद तेरा कोई काम बन जाए, बात करके देख लियो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देख मैसेज आया कि नहीं पहले वो देख। अरे आ गया भाई। हाँ ठीक है अब चल। यार थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। यार भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छे से कपड़े नहीं पहने, क्या तू अपनी जैकेट देगा? मैं ना प्रीमियर से लौटते ही तुझे वापस कर दूंगा। प्लीज भाई, बाय बाय बाय, दे दे। थैंक यू ब्रो। यस पकड़। जा जा अब, अभी जा। प्लीज प्लीज जा। हां यार ठीक है जा। थैंक यू। बस सर उसके बाद वो वहां से खुशी खुशी मशीन फिल्म के ट्रायल के लिए चला गया। तुम ये बताओ कि तुम फिल्म के सेट से अचानक गायब क्यों हो गए? सर वो मुझे विद्या का कॉल आ गया था। विद्या? विद्या कौन है? सर मेरी गर्लफ्रेंड। वो क्या हुआ था? सर आज जब मैं शूट कर रहा था तब विद्या का कॉल आया था। बेबी मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, सिर्फ तुम ही हो। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो यार, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ विद्या, मेरा ट्रस्ट तो करो विद्या। हेलो यार, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो ये स्लीपिंग पिल्स खा लेगी। सर विद्या सचमुच स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने आयान को नहीं मारा, मैंने उसका खून नहीं किया। सर ये सच कह रहा है, मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद एडमिट कराया है और तब से लेके अब तक ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया। तुम सच बोल रहे हो या झूठ, ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ फॉरेंसिक लैब चलना पड़ेगा। बन गया, बन ही गया आखिर। ये क्या सर? देखा ये एक सर्किट है, मतलब डेटोनेटर है, जो इस जैकेट में लगे हुए स्क्रिप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट की वजह से बहुत डैमेज हो गया है, बड़ी मुश्किल से असेंबल किया मैंने इसे। इस डेटोनेटर से धमाके को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इसमें अगर टाइमर सेट कर दो तो फिर इस स्ट्रिप्स को ब्लास्ट करने के लिए किसी और बटन को दबाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। सेट टाइम पर ये स्क्रिप्स अपने आप फट जाते हैं और मेरी एनालिसिस ये बताती है कि ये टाइमर 1 बजे का सेट किया गया था, मतलब 1 बजे इस जैकेट में लगे हुए स्क्रिप्स को ब्लास्ट करना ही था, फिर चाहे वो किसी ने भी पहना हो कहीं भी। एक मिनट सर, वो फाइट मास्टर जिसने ये स्क्रिप्ट लगाए हैं उसने तो ऐसे किसी सर्किट या डेटोनेटर की बात की ही नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटिंग के लिए तैयार की गई इस जैकेट के साथ बाद में छेड़छाड़ की गई है? राइट यू आर। छेड़छाड़ की गई है अभिजीत, और छेड़छाड़ सिर्फ स्क्रिप्ट्स के साथ नहीं की गई, और भी बहुत कुछ है। एक्चुअली हर स्क्रिप्ट के पीछे मेटल की सेफ्टी पेज लगी होती है एक्टर्स को धमाकों की चोट से बचाने के लिए। इस जैकेट के पीछे भी मेटल प्लेट्स लगी हुई थी जो हमें मिली, लेकिन टूटी हुई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये धमाकों की वजह से नहीं टूटी। मतलब किसी ने जानबूझ के इस जैकेट को जानलेवा बनाया है ताकि इसे पहनने वाला बचने ना पाए। सर ये पक्का खून का मामला है, कोई एक्सीडेंट या इत्तफाक नहीं है। और अयान ने यह जैकेट इत्तफाक से पहनी थी, इसका मतलब है खूनी का असली टारगेट अयान नहीं था, उसका असली टारगेट था ये जतिन। तुम्हारा ये एक्शन सीक्वेंस कितने बजे शूट होने वाला था? 12:30 बजे। मतलब तुम्हें सेट पे ही मारने का प्लान था। और जब जतिन सेट से गायब हो गया तो खूनी परेशान हो गया, क्योंकि जैकेट में तो 1 बजे धमाका होने वाला था, इसलिए वो जतिन को ढूंढते हुए उसके घर गया
और वहां पे शायद उसने अयान को ये जैकेट पहन के जाते हुए देखा। अयान जतिन के घर से वो जैकेट पहनकर सीधे मशीन फिल्म के प्रीमियर पे पहुंच गया। चलो वहीं चलते हैं, इस केस की आखिरी कड़ी अब वहीं सुलझेगी। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्यारा जी, आपने हमें बताया कि आपको दो लोगों की हरकत थोड़ी अजीब लगी थी, जिनमें से एक प्रेम जी है जो अभी जेल में है। वो जो दूसरा आदमी जो बिना इनविटेशन के आपके फिल्म के ट्रायल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में क्या बता सकती हैं? हाँ सर, वो लंबा चौड़ा सा आदमी था, यू नो वो टिपिकल बॉडी बिल्डर टाइप्स, और उनके जूते बड़े खास थे सर, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हमारे वर्कर्स पहनते हैं वैसे कुछ। वर्कर्स? हाँ सर, जैसे टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, स्टंटमैन जैसे पहनते हैं। स्टंटमैन? एक बात बताइए, अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो या हीरोइन को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? फिल्म को, या यूं कहें उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को। वो कैसे? एक फिल्म शूट के दौरान अगर किसी लीड एक्टर की मौत होती है तो उस फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फिल्म को सक्सेस भी मिलता है। और अगर फिल्म की शूटिंग के बीच में उसके लीड आर्टिस्ट को कुछ हो जाता है तो फिल्म कंप्लीट कैसे करेंगे? उस लीड एक्टर के बॉडी डबल के साथ। अच्छा, हेलो, वो बुलमोर स्टूडियो में जो फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, वहाँ पे कुछ बच्चे मेकिंग का वीडियो बना रहे थे। जरा उनको और उनके कैमरे को लेकर यहाँ थिएटर पे आओ, अब असली खूनी तक वही हमें पहुँचाएंगे। सर, यही है वो जो कल जबरदस्ती बिना इनविटेशन के फिल्म प्रीव्यू में आने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। ये? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ मोहरा है, असली चाल तो कोई और ही खेल रहा है। चलो बुलमोहर स्टूडियो, इसकी फिल्म का क्लाइमेक्स पूरा कर देते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं आप? क्यों नहीं सर, आज हमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। अरे वाह, आपकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई। मतलब खूनी पकड़ा गया? कौन है वो, कहाँ है? यही है, आपके यूनिट में। हमारी यूनिट में? अरे क्या हमारी यूनिट में कौन ऐसा हो सकता है? चलिए मान लीजिए कि फिल्म कंप्लीट होने से पहले आपके हीरो जतिन को कुछ हो जाता है तो क्या होता? होता क्या, मैं बर्बाद हो जाता और क्या होता? शायद आबादी हो जाते हैं। जतिन की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिल्म को सक्सेस। सक्सेस? हमारी फिल्म को? कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? जतिन के साथ हमें फिल्म का एक आखिरी फाइट सीक्वेंस कंप्लीट करना था, और जतिन के बगैर हम वो सीन कैसे कंप्लीट कर सकते थे? जतिन के बॉडी डबल के साथ? क्या सेठ, आपने डबल किस? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे गुनाह को छुपा नहीं सकती। हमें पता है कि तुम ही वो इंसान हो जो बिना इनविटेशन के ट्रायल शो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। यारा जी ने तुम्हें पहचान लिया है, और तुम्हारे जूतों को भी। अब तुम अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या हमसे मेहनत करवाओगे? पेड़ी पंकज। सर, सर, सब सब बताता हूँ सब। स्क्रिप्ट के साथ छेड़खानी मैंने की थी। लेकिन सर, मैं सिर्फ जतिन सर को चोट पहुंचाना चाहता था सर। मुझे नहीं पता था कि उस जैकेट से जतिन सर की मौत भी हो सकती थी सर। ये सब मुझे अखिल सर ने करने को कहा था। बकवास मत करो तुम। चुप रहो तुम। बोले तो से
सर इन्होंने ये भी कहा था कि शूटिंग के दौरान अगर जतिन सर को चोट लगती है, कोई भी नुकसान होता है, तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी और हमें भी फायदा होगा। सर नंदू सर ने मुझे जैकेट में स्क्रिप्ट लगा के जतिन सर के रूम में रखने को कहा, और सर मौका देख के मैंने जैकेट में स्क्रिप्ट के साथ डेटोनेटर और टाइमर भी लगा दिया था सर। मैं डर गया था सर। सर उसके बाद मैं मेकअप रूम में भागा सर, लेकिन मुझे वहाँ पे जैकेट नहीं मिली सर। और सर थोड़ी देर के बाद सेट पर ये बात फैली कि जतिन सर वहाँ से गायब है। मुझे लगा सर जतिन सर जैकेट पहन के अपने घर चले गए होंगे। मैं उनके घर गया सर, और सर जब मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई अनजान लड़का वही जैकेट पहन के उनके घर से बाहर जा रहा था सर। वो आयान था जिसका पीछा करते करते तुम थिएटर तक पहुँच गए और वहाँ जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हाँ सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी अनजान आदमी को मेरी वजह से चोट पहुंचती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तुम अकेले, तुमने ये सब क्यों किया ये तो पता है, पब्लिसिटी के लिए। अब कैसे किया ये भी बता दो। सिड ने तो मेरे कहने पर सिर्फ जतिन को घायल करने की तैयारी करी थी, लेकिन मैंने सही वक्त देखकर फिल्म के सेफ्टी प्लेट्स को तोड़ दिया। मैं जतिन को मारना चाहता था हर हाल में, और सारा दोष नंदू पे डालना चाहता था। मुझे क्या पता था कि बदकिस्मती से ये जैकेट कोई और पहन लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। मेरे बेवकूफ भाई ने बकवास सी स्क्रिप्ट में एक नए एक्टर को लेकर बकवास सी फिल्म में मेरे सारे पैसे लगवा दिए। मुझे पता था कि ये फिल्म एक भी दिन नहीं चलने वाली है। फिर मैंने सोचा अगर इस फिल्म में कोई विवाद होता है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी से लिंक होती है, तो इसे पब्लिसिटी मिलेगी और कुछ तो पैसे निकलेंगे मेरे। इसीलिए मैं हर हाल में जतिन की मौत चाहता था। दिन ब दिन मेरे पैसे बर्बाद होते जा रहे थे और मैं फिल्म की पब्लिसिटी को लेकर पागल होता जा रहा था। फिक्र मत करो, जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जेल तो जाओगे, और जब जेल जाओगे तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी ही मिलेगी। ले जाने लोगों को। सर एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर। सर जी अब्बास भाई, कैसे हैं आप? अरे सर, केस सॉल्व हो गया है और खूनी भी पकड़ा गया है, और हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं नहीं, इस बार सीआईडी ऑफिसर बनके नहीं, आपके फैन बनकर आपकी फिल्म मशीन देखने। तो शुरू करें फिल्म। एक मिनट, सर मैं थोड़ा पॉपकॉर्न लेने गया था इसलिए लेट हो गया। आप लेंगे? और थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर पिक्चर के लिए। सर सॉरी, चलो एक्सक्यूज मी सर। अरे 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 सर, क्या करूँ सर? नहीं सर, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.